मुझे तो क्लास शुरू होने से पहले ही सुसु आ रहा है। जब तक दुबे सर यहाँ क्लास लेंगे तब तक हम टॉयलेट में सुसु करेंगे, यानी बंक करेंगे। अरे मर गए, हम खिड़की से निकल जाएंगे। चल स्कूल में दो ही चीजों में मजा आता है, एक तो दुबे सर के क्लास में मुर्गा बनने में और दूसरा उनकी क्लास बंक करने में। जिसकी वजह से क्लास बंक करके आए हैं, चलो वो खेल शुरू करते हैं। बॉल निकाल। अरे ये तो टीटी बॉल है, तू तो फुटबॉल लाने वाला था ना। मेरे पास जितने पैसे थे उसमें यही बॉल मिली, फुटबॉल नहीं मिली। तो कोई बात नहीं दोस्त, चल इसको लात मार के फुटबॉल बना देते हैं। हैं? हमको माँ कौन बोला? ए बच्चा लोग, तुम लोग हमको माँ कह के पुकारा? हाँ मैडम, हमने आपको ही माँ कहकर पुकारा है। और तुम लोग की क्लास के समय यहाँ खेलने के मैदान में क्या कर रहा है? हमने आपको देखा तो अपनी माँ की याद आ गई। सत्य? और तुम लोगों का ओरिजिनल माँ का क्या हुआ? वो तो नानी के यहाँ गई हुई है 2 महीने से। उनको हम बहुत मिस करते हैं। आपको देखा तो अचानक वही प्यार, वही दुलार आपके चेहरे में दिख गया, फिर मुंह से आवाज निकल गई, माँ। तुम बच्चा लोग कितना क्यूट है, आज से हम तुम लोगों का माँ हुआ। तुम लोग आगे भी हमको माँ बोलेगा ना? अरे तुम लोगों का मुँह से ये सुनकर कितना भालू लगता है, आज से तुम लोग हमारा चेले हुआ। चेले? पर हम तो आपके पहले से ही चेले हैं। आप टीचर, हम चेले। अरे नाना, चेले नहीं छेले, बंगाली में अपने बेटे को छेले कहते हैं। तुम बाकी टीचर के लिए छेले हैं, पर हमारे लिए छेले है, ठीक है ना? हाँ माँ। खुशियों का दिन आया है। बिंदिया जी। ओह दुबे जी, बोलिए। क्या बात है बिंदिया जी, बहुत खुश लग रही हैं। कहीं साड़ी की सेल लगी है का? अरे ना ना, सेल का वो क्या है कि एक्चुअली हम माँ बन गया है। आप माँ बन गए हैं? कब? बुद्धू और बुद्धी ने हमको माँ बोला है, हमारी मन को बहुत अच्छा लगा है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए वो लोग आपको मक्खन तो नहीं मार रहे हैं। आप तो बस उल्टा ही सोचेंगे, आप भी अपना व्यवहार में थोड़ा प्रेम जगाइए। क्या जाने कोई बच्चा आपको प्यार से पापा बोल दे। जी जी सही कह रही हैं आप। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चा लोग कहाँ हैं? सारे बच्चे तो आ गए हैं मैडम। अरे ना, सब लोग तो नहीं दिखता, बोधी और बुद्धू कहाँ हैं? वो लोग क्लैथ में कम लेते हैं और क्लैथ के बाल मुर्गा ज्यादा बनते हैं। अभी भी कहीं मुर्गा बने होंगे, इसीलिए क्लास में नहीं आए। नहीं नहीं, वो आएंगे, मेरे बोधी और बुद्धू आएंगे। हम आ गए माँ, आपके बुद्ध और बद्री आ गए। बैठो बैठो, आज मून लगा कर क्लास करो, उसके बाद हम तुम दोनों को संदेश देगा। संदेश? किसका संदेश? लगता है हमारे घर से कंप्लेंट आई है, वही संदेश होगा। इसमें है ढेर सारा संदेश। हैं? ढेर सारा संदेश, वो भी मिठाई के डिब्बे में। लगता है इस बार पूरे मोहल्ले ने हमारी कंप्लेंट की है। तभी ना, तू तो अब गई। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हो?
ये दोनों अब क्लास के मॉनिटर बनेंगे। बिंदिया मैडम पर इन्होंने कोई मैजिक कर दिया है। ये सब छोड़ो, जल्दी जल्दी लंच बॉक्स खोलो और बताओ कि कौन क्या लाया है। हमारे पास आलू है, मटर है, कद्दू है, भिंडी है, लौकी है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास माँ है। क्या? ये क्या कर रहा है? फिश खानी है इसलिए फिश मार रहा हूँ। फिश खाना है? नो प्रॉब्लम, हमारे पास है ना फिश का रेस्टोरेंट। फिश का रेस्टोरेंट? क्या हुआ? मैडम वो रहने दे बुध, रहने दे। क्या हुआ, छुपा क्यों रहे हो? नहीं मैडम कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। बुद्धो तुम बताओ क्या हुआ, हमको तुम लोग माँ बोलता है ना? माँ हम दोनों की मम्मी नानी के यहाँ गई हुई है। हाँ गई हुई है ना, तुम लोग हमको बताया था। तो हमारे घर लंच बनाने वाला कोई नहीं है इसलिए हम भूखे। इश तुम लोग भूखा है, हमको क्यों नहीं बताया? एक मिनट रुको, हाँ इसमें रोहू माछ है, मतलब रोहू फिश, तुम लोग खाएगा? अब आप कह रही हैं तो बुद्धो बोधरी माँ, चलो चलो आज हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पुलाव और मिष्टी दही लाए हैं। ये बिंदिया मैडम इन दोनों के लिए टेस्टी खाना लेकर आती है। और हम यहाँ रोज ठंडी रोटियाँ और भिंडी की सब्जी खाते हैं। मैं भी मम्मी को बोलूँगा कि मुझे लंच में पुलाव खाना है। बड़े तालाक है ये दोनों, पहले दुबे थल को मामू बनाते थे, अब बिंदिया मैडम को माँ बना दिया। ये कौन है रे, रोज रोज रोटी और तिंडी की सब्जी डस्टबिन में डाल देता है, खाते नहीं है तो स्कूल में लाते क्यों है? बिंदिया मैडम बुध और बदली के लिए लंथ लेकर आती है और वो दोनों मैडम को माँ कहकर बुलाते। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। बिंदिया माँ के हाथ के मजेदार खाने खाकर तो मुझे लगता है कि अब कभी अपनी मम्मी को नानी के यहाँ से वापस ही ना बुलाए। अरे नानी के यहाँ मम्मी गई होगी तो वापस भी तो आएगी ना। अब इन दोनों को मैंने नानी याद ना दिलाई तो मेरा नाम भी जीवा नहीं। बुद्धदेव पोत्री ना, इनका लंच बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है? लगता है उनका मम्मी नानी के यहाँ से लौट आया है। मैडम उनकी मम्मी कभी नानी के यहाँ गई ही नहीं थी। क्या मतलब? माँ आज आप लंच में क्या लाई हैं? आज भी तुम लोग लंच नहीं लाए? हमारी मम्मियाँ अभी भी नानी के यहाँ ही हैं। अच्छा वैसे तुम लोगों को पता है स्कूल में एक भूत रहता है, और पता है वो भूत तुम लोगों का लंच बॉक्स यहाँ मेरे डेस्क पर छोड़ जाता है और वो भूत तुम लोगों के लंच बॉक्स से खाना निकाल कर कैंटीन के डस्टबिन में भी डाल देता है। तुम लोगों ने अपनी माँ के बारे में भी बिंदिया माँ से झूठ बोला। लेकिन माँ, माँ नहीं सिर्फ मैम। चलो मुर्गा बन जाओ दोनों। आज हम तुम लोगों के लिए एक करी और फ्राइड राइस लाया था, पर वो तुम लोगों को नहीं मिलेगा। अरे जब नथीब में हो टिंडे तो कहते खाओगे अंडे। Mm-hmm.